Hello guys, I'm Monica Agnihotri from International Institute for Spoken English. I'm in this profession for the past 21 years और इन 21 सालों में मेरे इंस्टीट्यूट ने एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए हैं. लिसनिंग रीडिंग में 9 के साथ स्पीकिंग में 8.5 तक हाईएस्ट स्कोर्स गए हैं स्टूडेंट्स के. आज इस वीडियो का मोटिव है कि हम एक स्पीकिंग में एक्सीलेंट स्कोर कैसे निकाल सकते हैं. और एक कार्ड, जैसा कि आप सबको पता है, सबसे ट्रिवियल पोर्शन होता है आईएलटीएस की स्पीकिंग का. बट बिलीव मी, the way we teach in the institute, आपका इतना easy हो जाएगा कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप आराम से अपना जो कार्ड है वो 1.5 से 2 मिनट स्ट्रेच कर सकते हैं. सो लेट्स वर्क ऑन दी टिप्स एंड टेक्निक्स टू क्रैक दी IELTS स्पीकिंग क्यू कार्ड. गाइज, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई होप एवरीबडी कैन रीड इट. प्लीज हैव अ लुक एट दी क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि आपने यू हैव टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु यू थिंक इज वेरी ओपन. उसके साथ आपके IELTS में आपके पास क्लूज आते हैं, ऑलमोस्ट 4 क्लूज आपको दिए होते हैं. यहाँ तक तो आप सबको पता है, बट इसके जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, वो हम कैसे करेंगे उस पर हमने वर्क करना है. और गाइस, अपने एक्सेलेंट रिजल्ट्स के लिए काइंडली वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब बटन को आप जरूर रिंग कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको नई नॉलेज मिल सके और आप अपने IELTS का ड्रीम पूरा कर सके. सो लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड्स नाउ. सो एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग, दिस इज अ क्यू कार्ड. एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज हैंडेड ओवर टू अस और हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है अपने एग्जाम में इसको वर्क करने के लिए. अब जो चीज मैंने सिखानी है, दैट इज हाउ टू सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज योर कार्ड ताकि आप भूले नहीं, आपका फ्लो बना रहे और एंड तक, जब तक एग्जामिनर आपको पॉज ना करे, आप कॉन्टिन्यूसली अपने स्पीकिंग शॉट को कंटिन्यू करते रहे. सो गाइज, द फर्स्ट थिंग वॉट वी हैव टू लर्न इज हाउ टू ओपन द ब्रांचेस ऑफ द कार्ड. गाइज, ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा है, ही सेज टॉक अबाउट अ पर्सन हु यू थिंक इज वेरी ओपन. तो देखें हम कौन कौन से क्लोज को खोल सकते हैं. द वेरी फर्स्ट क्लोज इज ओपन. अब सोचिए ओपन क्या हो सकता है. ओपन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लेके चलेंगे, हिज नेचर. यहां से आपका पहला क्लोज स्टार्ट होता है. अब नेचर को लेके आप 2 से 3 लाइन अपनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको सिस्टमेटिकली प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कॉन्टिन्यू करने के. Alright. Second thing is who the person is. अब obvious है guys, we cannot think of a person whom we don't know. आप अपने आसपास वाला कोई sibling, कोई friend, ये इसकी branches हैं. खोलिए इन branches को. He or she can be your sibling. He or she can be your friend. वो आपका कोई relative हो सकता है. Even वो आपका neighbor हो सकता है. So इस चीज का क्या benefit है? आपको points open करने आ रहे हैं. आपको पता लग रहा है कि आप जिनके बारे में बोलने जा रहे हैं वो आपके कितने क्लोज हैं, सो दैट यू कैन हैव अ ह्यूज डेटा टू टॉक अबाउट. आई होप यहां तक ओके है. लेट्स मूव फर्दर. हमने क्लू सोच लिया. अब जैसे ही आपने ये अपनी ब्रांच खोली है, उस बंदे का फिगर दिमाग में लेके आइए. लेट्स से इफ ही इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, फ्रेंड होएगा. अब फ्रेंड के साथ अगली ब्रांच क्या खुलेगी? द नेम ऑफ द पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस नेचर की हम बात कर रहे थे उसका नेचर. अब आप ध्यान से अगर देखें तो सेकंड कार्ड जो है, जो आपका सेकंड क्लू है, वो भी उसके साथ अटैच होने जा रहा है. हाउ यू नो दिस पर्सन? सो जब आपने एक थॉट दे दिया यहाँ पे, फ्रेंड से स्टार्ट करा, तो आपके पास नीचे उतरने के लिए ऑलमोस्ट 4 to 5 लाइन्स का जो है वो क्लू आ गया आपके हाथ में. लेट्स सी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हाउ आर वी गोइंग टू फ्रेम द लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हुम आई थिंक इज वेरी ओपन इन नेचर इज one of my close friends. She was my close friend who used to study with me in my college. अब आपने यहाँ तक देखा कि इतना सारा बोलने के बाद, इतना मैंने बोल लिया, अभी भी मैंने कार्ड को स्टार्ट नहीं करा है. Still I have so much of time in my hand to begin my, to continue my card. उसके बाद अगले क्लूज, how you know this person? और हर लाइन के साथ अपना एक लिंक छोड़े ताकि आप नेक्स्ट स्टेप को उसके साथ उठा सके, which is known as cohesion in your card. आप इस चीज को ब्रेक ना करें गाइस. लिंकिंग जब आपकी ब्रेक हो जाती है ना, देन योर कार्ड इज गोइंग टू गो लाइक दिस. व्हाट वी नीड अ कार्ड इज ऑन द मैप रोड. ऑलराइट, सो हाउ यू नो दिस पर्सन? आई हैव मेंशन ऑलरेडी इन माय फर्स्ट लाइन दैट शी इज वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स, या शी वाज वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स. अब जैसे कॉलेज का जिक्र आया तो हम कॉलेज के साथ उसका नेचर को इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे. शी वॉज वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड. इट वॉज ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन दैट आई मेट दिस पर्सन. हर नेम वॉज सोनल वर्मा. शी वॉज स्टडिंग इन माई कॉलेज, शी वॉज स्टडिंग इन माई क्लास एंड शी वॉज बेस्ट पार्ट ऑफ माई. एंड द वेरी रीजन वाई आई लाइक दिस पर्सन वॉज
हर नेचर। फिर आपने याद रखना है कि हर क्लू को आपने अपने साथ फिर से राउंड अप कर लेना है, ताकि आप जो कार्ड का कोहिजन है उसको तोड़े नहीं। जब कार्ड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तब आपके नंबर्स लूज हो जाते हैं। गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम बात कर रहे थे कि एक सोनल वर्मा है जिनको मैं अपने कॉलेज टाइम से जानती थी, और मेरा उनको पसंद करने का मोटिव क्या था, बिकॉज आई लाइक हर नेचर। अभी तक मैंने कार्ड का इलेबोरेशन स्टार्ट नहीं करा क्योंकि वही उस कार्ड का अगला क्लू आ रहा है। अब देख रहे हो ना किस तरह से स्टेप के साथ स्टेप जुड़ता हुआ चला जा रहा है, और आपको बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ सिस्टमेटिक अप्रोच इन आई एम स्पीकिंग क्यू कार्ड। अब हमने बताना है कि वो ओपन क्यों है। अब ओपन में नेचर आ गया, नेचर के साथ हमने क्या वर्ड सोचे थे, हमने सोचा था वो फ्रेंडली है, लेट्स टॉक अबाउट हर नेचर। हमने सोचा कि वो नेचर में फ्रेंडली है, सो वी कैन टॉक अबाउट फ्रेंडली। उसके बाद उसका ओपननेस, ओपननेस को आप किसके साथ जोड़ेंगे, आगे इसको लिंक कीजिए, उसका करेज, उसका कॉन्फिडेंस। सो आप देख रहे हैं कि आपके पास फिर से कितनी लाइन्स होगी फर्दर इसको प्रोसीड करने के लिए। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लाइन। सो हर नेम वाज सोनल वर्मा एंड आई मेट हर इन माय क्लास, शी वाज वन ऑफ माय क्लासमेट्स एंड आई यूज्ड टू लाइक हर जस्ट बिकॉज शी वाज हैविंग अ वेरी कैंडिड नेचर। अब एक बहुत सिंपल सा वर्ड है कैंडिड, जो आपको अच्छे वर्ड्स और अच्छे ब्रांड दिला सकता है। बहुत माइन्यूट अगर हम टचेस दें अपने पॉलिश वर्ड्स के तो वो भी हमारे कार्ड को बिल्ड करने में मदद करता है, राइट। सो शी वाज हैविंग अ कैंडिड नेचर एंड द बेनिफिट ऑफ अ कैंडिड नेचर वाज दैट शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। हर कॉन्फिडेंस नॉट ओनली हेल्प्ड हर, अब देखिए जैसे मैंने एक नॉट ओनली का कनेक्टर लगा दिया, कनेक्टर से क्या बेनिफिट होगा कि आई एम मेकिंग यूज ऑफ माय सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आल्सो, जिसका मुझे आइल्स में बेनिफिट मिलना ही मिलना है। सो हर कॉन्फिडेंट नेचर नॉट ओनली हेल्प हर बट इवन अ पर्सन लाइक मी हु वाज वेरी शाई, आई यूज टू बी अ बैक बेंचर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस एंड हर एनकरेजमेंट आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन माई क्लासरूम एक्टिविटीज, और उसका ये रिजल्ट हुआ कि आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग एन आइडेंटिटी। मूविंग बैक टू हर, उसका बेनिफिट क्या था उसको ओपन नेचर का, दैट शी वॉज द एपल ऑफ आई ऑफ ऑल द टीचर्स, जस्ट बिकॉज शी वॉज नोन टू एवरीबडी, शी यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल द क्वेश्चनर्स, शी वॉज द हेड ऑफ द क्लास। इनफैक्ट अब जैसे ये वर्ड मैंने लगाया इनफैक्ट, ये क्या करता है हमारे कार्ड को हमारे सेंटर स्ट्रक्चर के साथ इंटेग्रेट कर देता है, जिससे हमारा फ्लो बना रहता है। इनफैक्ट ये उसका ओपन नेचर ही था जिसने उसको हर टीचर का फेवरेट बनाया, शी बिकेम द एपल ऑफ एवरीबडीज आई, एंड एज अ रिजल्ट उसकी ओपननेस की वजह से जो भी क्लास में क्वेरीज हुआ करती थी फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो वेरी वीक एंड शाई, जो दूर नहीं कर पाते थे वो भी बच्चे जो थे उसकी हेल्प की वजह से, उसकी नेचर की वजह से अपनी क्लास को बहुत इजीली समझते थे, लेक्चर्स को समझते थे, एंड दे यूज टू फील ग्रेट विद दिस पर्सन इन द क्लास। एंड ऑफकोर्स द लास्ट, अब अभी भी आप देख रहे हैं हमने इतना कुछ बोल लिया, स्टिल आर वन क्वेश्चन इज पेंडिंग, अभी भी हमारे पास टाइम है या टाइम का तो स्लॉट पूरा भी हो गया है, स्टिल वी आर लेफ्ट विद वन पॉइंट। तो आप इस तरह से अपने कार्ड को इंटेग्रेट करते हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो योर कार्ड इज गोइंग टू बी स्पोकन इन अ वेरी इलेबोरेटिव वे, एक्सीलेंट बोला जाएगा आपका कार्ड, और इससे जो है कि आपके ब्रांड में इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी गाइस। आई होप आपको ये वाला कार्ड का टिप अच्छा लगा, एंड आई एम होपिंग कि आप इसको अपने इम्प्लीमेंट करेंगे एंड यू कैन वर्क ऑन योर रिजल्ट्स गाइस। प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।